was on the whole thing. बड़ा अफसोस है वो उसकी डेथ हो गई, लेकिन जब तक ना उसका परिवार के साथ उसके साथ इंसाफ मिलेगा, हम सब के साथ इंसाफ नहीं मिलेगा, हम तो हड़ताल जारी रहे। इंस्पेक्टर सिविल स्टेशन, उसने क्लियरेंस बाजार तक उसमें लिखा है लॉग बुक कि मैंने क्लियरेंस रखी है। अब खुदा जाने ये कैसे हादसा हो गया। 88 से है इस डिपार्टमेंट में, 88 से पहले अपॉइंटमेंट है उसकी यहाँ। तो आप क्या चाहते हो 88 से वो यहाँ पे इस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है? डिमांड है कि उसके साथ इंसाफ मिलना चाहिए, हम और जोर अपील करते हैं गवर्नर साहब से। तो उसके हम सुबह ही आज ऑफिस आ गए थे, तो उसके बाद हमें कंडूरा में कुछ इशू था एक पोल और चार्ज शिफ्ट करने का आरएनबी का, तो हम वहाँ से सुबह ही चले गए। वहाँ साइड से जब वापस आ गए, वापस पहुँचे, जब वहाँ ऑफिस हम पहुँच गए तो मुझे फ़ोन आ गया कि इस तरह एक लाइनमैन मोहम्मद रमजान गिरा है, पोल से गिरा है और जख्मी है। तो अकॉर्डिंगली हमने कंसर्न जो हमारा स्टाफ था उसको भेज दिया रेफर के या हॉस्पिटल SDA Sopore में। वहाँ वो सीरियसली इंजर्ड था, बाद में उसको अपने स्टाफ के समेत एम्बुलेंस में रेफर किया गया श्रीनगर। तो इसकी वजह यह हो सकती है कि हालांकि उसने लाइन वगैरह बंद रखी थी, क्लियरेंस रखी थी लाइन पे, लेकिन तब भी वो ये हादसा हो गया है। हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं प्रॉपरली ये क्यों हो गया, होना तो नहीं चाहिए था, क्या वजह थी, ये किस वजह से हो गया, इसमें देख रहे हैं, हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जो भी इसमें मुलावस होगा, जो भी आदमी जिसके आगे कसूर होगा उसके खिलाफ